हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है। उसके बाद झूला पे बैठने के बाद जो इनकी बैंड बजी, फूलों के साथ मिला है, फूलों के साथ। ओहो, न्यू ईयर जी आप सभी को। आज है 1 जनवरी और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ गए हैं और हमारा पिकनिक शुरू हो गया है। खरे खरे और शानदार जगह है, जगह है नहीं। अबे एक सीट वीट ले आता ना घर से। तुम लोग जैसे यहाँ चिप्स सब लेकर के आया है, जैसे यहाँ चिप्स ये सब लेकर के आया, लोगों को लगेगा कि क्या लेकर के आया है, ये चखना है ये सब। पुलिस वाला। हाँ, ये रसगुल्ला का डब्बा खुल चुका है तो अब इसका उद्घाटन किया जाए। हम ही करते हैं स्टार्ट सबसे पहले। खाना बताना कैसा लगा है ना? जब ले रहे थे इसको 1/2 किलो पैक करवा रहे थे तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा ले लिए, अब लग रहा है कि बहुत कम ले लिए। बहुत को देखते थे इसमें, रोटी डुबा डुबा के खाता था। तुम ही था नमित। चिली बेबी कॉर्न यहीं से उठा के लेके जाता है। यहाँ से लेके खुद से फ्राई करके निकाल के देखो क्या नीचे होता है मकान। कोई नहीं, सूरज को दो एक ठो रस्सी, तुमको फेंकेंगे फिर रेस्क्यू करेंगे, तुमको टॉपिक मिलेगा एक। फूल है तुम्हारे जैसा। और हमारी सूरज यहाँ पर जो भी पौधा मिल रहा है उसकी फोटो ले रहे हैं, सोच रहे हैं किसमें तो कुछ खास है आज। लेकिन एक आश्चर्य का बात है कि मणिकांत कोई फोटोग्राफी नहीं कर रहा है। मशरूम लेकर मणिकांत आज कोई फोटोग्राफी नहीं कर रहा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा कैमरा है सबके पास। अच्छा, यहाँ किसी ने ये बना रखा है आज का वीडियो। आज का यही है टॉपिक, आटा गिरेगा काले जादू पर। तो सूरज को शक हो रहा है कि कोई काला जादू यहाँ पर होता है, यहीं पर खाना खाया अभी तो। वाह सूरज, तुमको अवार्ड मिलना चाहिए। इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग पिछले 10-15 मिनट से परेशान थे और सूरज ने स्टार्ट कर दिया। अब शिवम जा रहे हैं दौड़ के, सूरज ने कहा है कि बाइक को बंद नहीं करेंगे। इधर बनी है मटर पनीर और आलू मेरे डिमांड पर, क्योंकि मुझे हर सब्जी में आलू चाहिए। और इधर जिया बना रही है पूरी, तिनकुनिया पूरी, जल्दी बन जाता है। तो जल्दी से हम लोग जो है खाना खिलाएंगे मम्मी पापा को। और आज हम लोग निकलने वाले हैं मंदिर, कोशिश करेंगे कि कटिहार के जितने भी मंदिर है हर जगह आशीर्वाद ले। A few moments later. हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और हम लोग अभी आए हुए हैं, ये देख रहे हैं पीछे मंदिर, मंदिर आए हुए हैं। तो आप लोग को पता है कि हम लोग का कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है बिना मंदिर का, बिना मंदिर आए खत्म नहीं होता है, बिना मंदिर आए शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप चलते हैं मंदिर अंदर पूजा करते हैं। और बाकी कटिहार का जो भी मंदिर है आज वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ पर एक पार्क है, भी खुला हुआ है तो आज उस पार्क में भी जाएंगे हम लोग। और शादी से पहले हम बहुत बार गए थे, लेकिन मतलब मन करता था कि मतलब किसी के साथ आए, तो आज अपने हस्बैंड के साथ। तो जी हो गई हमारी पूजा और अब चलते हैं पार्क।
जी हम पहुंच गए हैं ये कटिहार के चिल्ड्रंस पार्क, और जिया को बहुत मन था यहाँ आने का क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क नाम है, खुद भी चाइल्ड ही है। ये है कटिहार का चिल्ड्रंस पार्क जी। मोहाली, पंजाब, दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटी हो, वहाँ तो नॉर्मल ऐसा पार्क होना, और वहाँ तो कोई चार्ज भी नहीं होता, बस चले जाइए। लेकिन यहाँ के लिए ऐसा पार्क होना नई बात है और काफी खास बात। हम यहाँ पर कुछ शांत जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर थोड़ा सा एक शांत मिल जाए, और कुछ बातचीत करनी है और आपको बताते हैं कुछ 2020 के बारे में, क्या हमारे लिए अच्छा रहा और क्या हमारे लिए खराब रहा। यह एक जगह ठीक लग रहा है, यहाँ भी फाउंटेन था, यहाँ भी नहीं चल रहा है कुछ भी, और यहाँ पर लाइटिंग सब अच्छा खासा लगा हुआ था, सब कुछ बंद हो रखा है कोविड की वजह से, 6-8 महीना यह बंद रहा है। तो समझ जाइए पार्क का क्या हाल हुआ होगा, ना कोई मेंटेनेंस ना कुछ। तो हमें एक यहाँ अच्छा जगह मिल गया है बैठने के लिए, और यहीं पर हम बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तो 2020 के बारे में बात करते हैं जी। 2020 का ध्यान है हमें मार्च, जब हम घर आ गए थे, उस समय होली था, ससुराल में पहला होली सेलिब्रेट करना था, तो आ गए थे, लगभग 15-16 दिन का छुट्टी लिया था। ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरा एग्जाम का डेट निकल गया था, नहीं तो ऐसे तो आते नहीं है। तो जब यहाँ आए, फिर उसके बाद जो है लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन आ गया जब, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चलने लग गया, और वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए एक तरह से ब्लेसिंग ही साबित हुआ कि हमें थोड़ा टाइम मिलने लग गया कि हम ज़्यादा वीडियो बना सके और कर सके। उस समय हम सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, और हमने मई के महीने में यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया था, और उस समय हम हफ्ते में एक वीडियो डाला करते थे। और ध्यान है कि जब हमारा एनिवर्सरी था तो हमारा तीसरा या चौथा वीडियो था उस समय था, तो अच्छा खासा समय मिलने लग गया और हम लोग बनाने लग गए, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो चैनल भी बहुत जल्दी वो ग्रो कर गया था। 2 या 2.5 महीने में ही 44,500 सब्सक्राइबर वहां पहुंच गए थे, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी ठीक उतने ही फॉलोवर थे। और अब बीच में कुछ ऐसे ही घटना हुई जिसकी वजह से जो है हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, और इंस्टाग्राम भी चला गया, तो गया मेरा भी लेके दो। तो हाँ जी, डिलीट हुआ, तो क्या कहे, बताते हैं कुछ देर बाद। और यहाँ पर जिया जो है कुछ रील के लिए वीडियो शूट कर रही थी, तो सामने से ये भाई साहब आए और बताए कि ये आपकी सब्सक्राइबर है, तो हम नाम जानना चाहेंगे आप सभी का, क्या नाम हुआ आपका? काजल झा। काजल झा, अच्छा आपका नाम? मीन। और आपका है? जी राकेश जी। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और अच्छा लगता है जब अपने शहर में घूमते हैं, आप जैसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं कि हाँ आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आप लोग कब से देख रहे हैं हम लोगों का वीडियो? बहुत दिनों से। अच्छा, सबसे पहला कोई वीडियो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है? बहुत ज्यादा, सारा ही अच्छा। चलिए, तो अच्छा लगा, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। देख सकते हैं पतिदेव ऊपर चढ़कर बैठे हैं कि मेरा कुछ फोटो शूट कर दो, लेकिन हम फोटो शूट नहीं करने वाले हैं। जल्दी उतरिए नीचे। तो जी, जब हमारा चैनल डिलीट हो गया था, हम तो उतना नहीं थे, क्योंकि जिया जो है अकेले में रोया करती थी, और ये जो है ना हमें ताना देते थे। और लेकिन उस समय हमने एक चीज अच्छा किया था कि जैसे ही डिलीट हुआ, ठीक उसी दिन हमने वीडियो डाल दिया कि हमारा चैनल डिलीट हो गया, ताकि जो लोग भी हमें ढूंढ रहे थे उन्हें हम मिल जाते,
वरना क्या होता कि कुछ दिनों तक अगर हम नजर नहीं आते तो हो सकता है कई लोग भूल भी जाते। और थैंक यू जी, हमें अच्छा लगा यह जानकर कि जितने महीने में हमने वो सब्सक्राइबर गेन किया था उससे ज्यादा तेजी से हमने इस चैनल पर उससे ज्यादा गेन कर लिया। ये सब चीज आप लोगों की बदौलत हुआ है, इसके लिए हम जितना भी थैंक यू बोले वो उतना कम है। जब हमारा चैनल डिलीट हो गया तो उससे हमने सीखा भी बहुत कुछ और पाया भी बहुत कुछ, और जो सीखने की बात है वो हमने सीखा कुछ, जो ज्ञान मिली है, नहीं होता है जब तक जिंदगी से आप धक्के नहीं खाओ आपको तब तक सीख नहीं आती है, समझ नहीं आती है। तो कुछ जो हमारे साथी जो थे, जो हमारे साथ के क्रिएटर हैं, तो जब हमारा चैनल डिलीट हो गया था तो उन्होंने आगे से फोन करके पूछा कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो बताया हमने, तो उन्होंने कहा कि आप फिर से दोबारा स्टार्ट करिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हमने चैनल स्टार्ट किया और जब वीडियो बनाना सब शुरू कर दिया हमने, फिर से वो जारी रखा, फिर जो उन्हें कहा कि कुछ आप सपोर्ट करो, कुछ हमारी वीडियो को शेयर कर दो, हाथ पीछे कर लिया उन्होंने। तो कोई बात नहीं, उन्होंने सही किया हमारे लिए, तभी तो बिल्कुल जी। और अच्छा लगा हमें कि आज जहाँ भी पहुँचे हैं अपनी मेहनत की वजह से पहुँचे हैं। तो उसी टाइम एक लेसन मिल गया हमें, और इस 2020 में हमने एक चीज यह भी देखा कि लोग जो है आपके साथ रिलेशन कुछ तब तक रखते हैं जब तक आपकी हैसियत उनसे नीचे है। जैसे कि आपका कर्ज या तो उनसे बड़ा हो जाए या उनके बराबर हो जाए तो रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है वहां से। ऐसे भी कुछ एग्जांपल देखा हमने 2020 में, और कुछ लोग को ऐसा भी देखा जैसा कि कुछ देर पहले हमने एग्जांपल दिया कि जब तक आपका कद उनके कद के बराबर था तब तक तो काफी सब कुछ अच्छा चल रहा था कि हमारे बराबरी के ये सब आदमी है, और जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज आया तो उनका मुंह मोर लिया और थोड़ा सा अपना रंग दिखा दिया। तो ये सब लाइफ के लेसन ही होते हैं, और फिर जान लिया जी दुनिया ऐसे ही चलती है, क्या सोचना है इसके बारे में कि जब तक आपका समय अच्छा चल रहा होगा लोग भी साथ दे रहे होंगे, और जब आपका समय खराब चल रहा होगा तो काफी कम ही लोग आपके साथ रहते हैं। लेकिन जो भी उस समय साथ रहते हैं वो समझ जाइए कि आपके पक्के दोस्त हैं, पक्के यार। भी लोग मिले हमें जो उस समय में भी हमारा साथ दिया। ये थी हमारी कुछ 2020 की कहानी, और उम्मीद करते हैं कि 2021 जो है इससे भी कुछ जबरदस्त रहे, और जो भी हमारा सपना बचा हुआ है 2020 में जो नहीं पूरा हो पाया वो 2021 में पूरा करे, और हमारा कुछ सपना है और उस सपना को हम पूरा करने जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम मार्च से स्टार्ट कर देंगे और आप लोग के सामने लाएंगे कि हमारा आगे का क्या प्लान है। काफी यहाँ जो है हम लोगों ने अच्छा खासा समय बिता लिया है, और अब उसके बाद चलते हैं कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। जिया ने कुछ नहीं खाया है, हमने तो कुछ खाया भी है लेकिन नहीं के बराबर खाया है, तो कुछ चल कर खाते हैं और उसके बाद फिर मंदिर चलेंगे, फिर जो बाकी मंदिर है वहाँ पर चलेंगे। पेट पूजा करने के लिए हम आ गए हैं यहाँ भोला मिष्ठान। आ गया अब आ गए हैं हम लोग पंचदेव मंदिर। इस मंदिर में तो हम लोग कई बार आए हैं, और इस मंदिर से जो भी मांगा है हमने आज तक हमारा जरूर पूरा हुआ है वह, तो इस मंदिर में तो आना बनता है जी। और यहाँ तो मंदिर बंद है तो बाहर से ही पूजा करेंगे। A few moments later. जी अब हम पहुँच गए हैं सत्संग मंदिर। यह मंदिर कटिहार में है, हमें मालूम भी नहीं था, और आज हम भी पहली बार ही इस मंदिर में आ रहे हैं, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है सब कुछ। जी हम आए हुए हैं काली बारी मंदिर जी। यहाँ पर भी हमें कुछ सब्सक्राइबर मिल गए, और जिया उन सभी के साथ बातचीत करने लग गई, और वो सब्सक्राइबर जो है काफ़ी अच्छा लगा मिलकर इनसे। उन्होंने बताया कि वह और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली हमारा वीडियो देखती हैं, और उन्होंने अपनी फैमिली को भी वीडियो कॉल पर ले लिया और उन्हें सरप्राइज दे रहे थे कि देखो हमारे साथ कौन है।
हम देखे तो शॉकिंग हो गए एकदम। हाँ सिंधी ले ले रहा है, ठीक है ठीक। हाँ सिंधी ले ले रहा है, ठीक है ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू जी। नानी जी प्रणाम प्रणाम। थैंक यू जी। तो ये थी हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर जो हमें मिल गए थे यहाँ कालीबाड़ी मंदिर में, और उनसे तो बात हुई ही, साथ में उनके जो फैमिली मेंबर थे, बहुत ही अच्छा लगा कि इतना प्यार करने वाले फुल फैमिली है एक साथ। फिर जी काली मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए बड़ी दुर्गा स्थान। नए साल के दिन हम जिस भी मंदिर में गए वहाँ कोई ना कोई हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए, और थैंक यू जी, ये सब आपकी बदौलत है जो इतने सारे लोग जाने पहचाने वाले मिल जाते हैं। जाओ तुम झूलो। पतिदेव झूला पे तो बैठ गए ये सोच के कि जिंदगी भर दिया मुझे ताने देगी कि आप डरपोक हो आप डरपोक हो। उसके बाद झूला पे बैठने के बाद जो इनकी बैंड बजी, हो गया हमारा झूला हुआ, अभी नहीं चलेंगे हम, और अब उतरते हैं हम लोग। जी हमने झूला तो इससे भी ऊंची ऊंची झूले पर है, लेकिन अब जो है थोड़ा हालत खराब होने लग गया है। लगता है कि यह पिछले 8-9 महीने से जो लॉकडाउन की वजह से घर में है तो उसकी वजह से यह हाल हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस डर को फिर से जीते, और फिर से अगली बार जब भी कोई झूला आएगा तो फिर झूलेंगे हम। वहाँ मंदिर से अब आ गए हैं घर, और काफी ज्यादा थक चुके हैं और भूख भी काफी ज्यादा लगी है। तो माँ लग रहा है खाने का प्रबंध कर रही है। ये हमारा खाना, पतिदेव को देखिए रहा नहीं गया, पहले ये थोड़ा सा खा लिए। तो कैसा लगा? मजा आ गया सच में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत नाटक इतना करते हैं। एक तो भूख लगी है, ऊपर से खीर बना है, पूरी बना है, और ये मेरा फेवरेट पनीर। ओहो, कुछ पूरी आपको ट्रायंगल शेप में दिखेगा, जो ट्रायंगल में वो हम बनाए और जो गोल में वो माँ बनाई है। नाइस। हमें लगता है शायद पतिदेव को पता नहीं है कि सब्जी हमने बनाई है। यदि हम बोल देते पहले कि हमने बनाई है तो पतिदेव इतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे पाते, है ना? नहीं नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सब्जी बना है, सीरियसली बोल रहा हूँ।